देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है यूपी के कानपुर में रहने वाली झुनझुन की। झुनझुन के पति बताते हैं कि ये घटना तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। वो और उनकी पत्नी अपने हनीमून का प्लान कर रहे थे। दोनों ही अपने हनीमून को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने हनीमून के लिए जगह फाइनली चुन ली थी और वो दोनों अपने प्राइवेट गाड़ी से हनीमून के लिए निकल गए। रास्ते भर विवेक झुनझुन की तारीफ करता हुआ जा रहा था। झुनझुन की खूबसूरती का नशा विवेक पर इस कदर चढ़ा था कि उसे झुनझुन के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। अब तक रात हो चुकी थी और वो दोनों अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने वाले ही थे। फिर वो दोनों वहां पहुंचे और फ्रेश हुए और तभी उन्होंने रात का डिनर किया। और अब वक्त था उस पल का जिसे आम भाषा में सुहाग रात कहते हैं। झुनझुन और विवेक अपने रूम में दाखिल हुए ही थे कि तभी विवेक का फोन आ गया। विवेक फोन उठाते हुए बोलता है, झुनझुन मैं बस अभी आया। मगर विवेक को फोन करते करते काफी समय बीत गया। जब विवेक अपने रूम में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में सोई हुई है। बिस्तर तिर बितर हो रखा है और उसके खून के कपड़े पलंग के नीचे पड़े हैं। ये सब देखकर विवेक बदहवास हो गया। जब उसने झुनझुन को उठाने की कोशिश की तो झुनझुन ने धीमी आवाज में कहा, बस अब और नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। विवेक झुनझुन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। उसने झुनझुन से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की मगर झुनझुन को होश ही नहीं था। आखिरकार सुबह हुई पर विवेक रात भर सोया नहीं था। जब झुनझुन की आंख खुली तो उसने पाया कि विवेक गुस्से में है। विवेक को गुस्से में देख झुनझुन बोली, क्या जान अभी तक रात की बातों को लेकर बैठे हो, आखिर मैं करती भी क्या? तुमने पहले राउंड में ही मेरी हालत जो खराब कर दी थी, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। और फिर तुम भी थोड़ी देर में ही सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। झुनझुन विवेक के करीब आते हुए बोलती है, चलो तुम सेकंड राउंड अभी ले लो मगर गुस्सा मत करो। झुनझुन विवेक के करीब आई ही थी कि तभी रूम का सामान इधर उधर उड़ने लगा, मानो कोई तूफान आ गया हो। वो दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आए। फिर विवेक ने झुनझुन को बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो मैंने नहीं किया। विवेक की बातें सुनकर झुनझुन को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। विवेक समझ चुका था कि मामला गंभीर है, उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। विवेक वहीं के एक स्थानीय ओझा से मिला जिसने बताया कि झुनझुन पर एक जिन्न की नज़र है, क्योंकि अब उस जिन्न ने झुनझुन के साथ संबंध बना लिया है। अब वो जिन्न तुम्हें झुनझुन के साथ नहीं रहने देगा। तभी विवेक ने उस ओझा से पूछा, क्या उस जिन्न से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? फिर ओझा ने कहा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इस बीच तुम अपनी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जब विवेक वापस रिजॉर्ट लौटा तो उसने अपनी बीवी को फिर नग्न अवस्था में देखा। जब झुनझुन की नज़र उस पर पड़ी तो झुनझुन ने विवेक से कहा, क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? फिर से ये तो नहीं कहना चाहते कि अभी जो कुछ हुआ है वो तुमने नहीं किया है? विवेक अपना सर पकड़कर वहीं कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। विवेक को रोता देख झुनझुन विवेक से कहती है, चलो अभी वापस घर लौट चलते हैं। वो दोनों रात में ही वहां से निकल जाते हैं मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब विवेक को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। जब उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ तुम्हें ही यहां पर लाया गया था। उस हादसे के बाद झुनझुन का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों ये तो थी विवेक के साथ घटी घटना जिसे वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो इस कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।